तो चलिए बीपी रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर है बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे की मौत का मामला, जहां पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बताएं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। पूर्व सांसद भैरव मिश्रा प्रसाद के बेटे के मौत का मामला, लखनऊ में पीजीआई में बेड नहीं, इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत का यह मामला बताया जा रहा है। इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं पीजीआई अस्पताल प्रशासन के। ऐसे में ये जो तस्वीरें आई हैं, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान आया है कि इस पूरे मामले पर जरूर जांच की जाएगी। भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत की ये तस्वीरें आप देखिए, अर्थी लिए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसी खबर पर हम रिपोर्टर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे की मौत का मामला बड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं और उच्च स्तरीय जांच की बात की गई है। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। संजय, फिलहाल इस सारे प्रकरण से जुड़ा सबसे ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए राजन, पहले तो पूरा प्रकरण मैं आपको बता दूं कि बांदा के पूर्व सांसद हैं भैरव प्रसाद मिश्रा, चित्रकूट में वो रहते हैं। उनका बेटा प्रकाश मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी, वो किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था और जहां इस वक्त मैं SGPGI अस्पताल में खड़ा हूं, यहीं पर उसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था। परसों रात में उसकी हालत ख़राब हुई, वो अपने बेटे को लेकर के इसी इमरजेंसी में पहुँचे थे और यहाँ जब उन्होंने डॉक्टरों से ये कहा कि बेटे को उपचार करें, हालत बहुत सीरियस है, तो ऐसा आरोप है पूर्व सांसद की ओर से कि उनके बेटे को यहाँ के डॉक्टरों ने हाथ तक नहीं लगाया। एक घंटे तक पूर्व सांसद यहाँ गिड़गिड़ाते रहे, डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे कि उनके बेटे का ट्रीटमेंट किया जाए, वो ठीक हो जाए, उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, उपचार हो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि लगभग एक घंटे तक स्ट्रेचर पर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। जब बेटे की मौत हुई तो इस गम में, इस गुस्से में सांसद यहीं इसी स्थान पर SGPGI की इमरजेंसी में धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार डॉक्टरों ने उनके बेटे का उपचार क्यों नहीं किया। अब जब पूर्व सांसद ने इस तरह का बखेड़ा यहाँ पर किया तो उसके बाद में अस्पताल प्रशासन की ओर से, जो निदेशक हैं SGPGI के, उनकी ओर से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 48 घंटे में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है, बताना है कि आखिरकार ये लापरवाही कैसे हुई। उस रिपोर्ट के आने के बाद में कार्रवाई होगी। डिप्टी CM जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पूरे मामले में कमेटी बनाई गई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आखिरकार पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे प्रकाश मिश्र की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। राजेंद्र, ठीक है संजय, एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। एक और बड़ी अपडेट यह है कि पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे की मौत पर सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल, आपको बताते चले, यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला, आम जनता का क्या ही होगा, यह कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के कोट किया है। कहना यह है कि जब पूर्व सांसद के बेटे का यह हाल है तो आम इंसान को इलाज क्या ही मिलेगा। पूर्व सांसद के बेटे को इलाज मुहैया न हो पाने पर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। उनका यह कहना है कि अगर पूर्व सांसद यानी हाई प्रोफाइल लोगों को ही इलाज नहीं मिल पा रहा तो आम इंसान किस तरीके से इलाज की उम्मीद कर सकता है। ABP News आपको रखे आगे।